तो कैसे हो गाइज? यार आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं वो है कि टैग्स किस तरह हम अपने आर्टिकल्स के लिए सेलेक्ट करें। इससे पहली वीडियो में हमने देखा गया कि यार गूगल पे अपने आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बना के किस तरह गूगल के पहले पेज पे लेके आए। जैसे यहाँ पर मेरा आर्टिकल देखकर लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, एसईओ फ्रेंडली मैंने आपको आर्टिकल बनाना सिखाया। तो अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो लाजमी देखो, बहुत हेल्पफुल है तुम लोगों को आर्टिकल मतलब एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल और रैंक करने के लिए बड़ी मत देगी वो वीडियो। अब आज की वीडियो में देखने को वाले हैं कि टैग किस तरह सेलेक्ट करें। हमारा टाइटल अगर सेट करना है तो टैग चूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई जाहिर सी बात है आपने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल तो लिख लिया। आपने सबसे पहले जो करना है, आपने गूगल के ऊपर दो एक्सटेंशन मिल जाती हैं, एक कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से, ठीक है ना, ये आपने गूगल अपने क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है, और एसईओ क्विक मतलब एक मिल जाती है एक्सटेंशन, इसको भी ऐड करना है। ये आपको डेंसिटी और आपके रैंक मतलब लोगों के सर्चेज वगैरह ये आपको यहाँ पर दिखाती रहती है कि लोग इसके बारे में और क्या सर्च करें, क्या कीवर्ड लोग ज़्यादा इसके ऊपर टाइप करें। अब एक और जो मैं यूज़ करता हूँ जो इसके लिए, वो है एक कीवर्ड शीटर, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बेस्ट मतलब टैग्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। ये आपको टॉप मतलब टैग जो लोग सर्च करते हैं बार बार, ये आप लोगों को वो ला के दे देता है। इसमें मतलब आपको ये नहीं कि जैसे यहाँ पर कीवर्ड एवरीवेयर में हर कीवर्ड देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा हाई रैंक, और यहाँ पर हर कीवर्ड टैग्स आपको वो मतलब यहाँ पर ला के आपको दे देगा। लेट्स सपोज मैं अपना कीवर्ड यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि भाई टॉप जो ब्लॉगर्स इन पाकिस्तान लिखता हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब ये कीवर्ड शीटर क्या करेगा, ये मेरे तो जो आर्ट मतलब टाइटल है मतलब जो भी आपका कीवर्ड है उसको पकड़ेगा, उससे रिलेटेड जो लोग सर्च करें ना वो आपको सर्च करके ला के आपको देता रहेगा। इस पर थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको बेस्ट सर्चेज इसके अंदर मिलती हैं। एक तो तरीका ये है ये, लेकिन ये सभी के केस में, सभी केस में ये काम नहीं करेगा। अब ये उस केस में करेगा जिस केस में आपका हाउ टू यूज़ नहीं हो रहा, मतलब मोस्टली होते हैं कि जो हाउ टू यूज़ करते हैं हम समझते हैं वो यूट्यूबर, लेकिन आजकल वो गूगल पे भी हाउ टू बहुत रैंक कर रहा है एज अ यूट्यूब को भी लेके और आर्टिकल्स के अंदर लेके। और उस कीवर्ड को लेके आपको मैं एक अलग से बताता हूँ, वो इससे भी बेस्ट मतलब एक जो है, एक तो अगर आपका आर्टिकल हाउ टू से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप सिंपली शीटर से भी आप इधर से भी कीवर्ड पिक कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज जैसे हाउ टू चेक, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल डाला है, अगर इसको लेके अगर मैं आप बनाएं मतलब कि कीवर्ड टैग्स लें तो किस तरह लेंगे, मतलब इसी एक तो आपने एसईओ फ्रेंडली बना लिया, ठीक है ना, सिर्फ एसईओ फ्रेंडली बना लेना ही बात नहीं होती, बेस्ट टैग और टाइटल चूज़ करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब कीवर्ड शीटर तो हो गया, इसके अलावा अब हाउ टू चूज़ जब भी करना है तो आपको यहाँ पर एक टैग मिल जाएगा, टैग यूट्यूब के नाम से। अब ये कीवर्ड आपको कैसे ला के देगा आप खुद ही देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और टैग्स ऐड करता हूँ तो आपको देखिएगा आपको वो कीवर्ड लाएगा जो आप मोस्टली सर्चिंग करते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के, आप मोस्टली देखिए यहाँ पर वो जो चीज़ें के मतलब एस मतलब हाउ टू चेक गैलेक्सी मतलब ये के ओरिजिनल फेक आर मतलब कोरियन, मतलब आपको हम मोस्टली ये क्या करते हैं, कोरियन आर फेक, ओरिजिनल आर फेक, मतलब इस तरह के हम कीवर्ड सर्च करते हैं, और ये वही हमें लाग सर्च करता है। हम सिंपली कॉपी यहाँ से करने हैं और सारे लिस्टेड होते जाएंगे और कॉपी करके साइड में ले जाना है। अगर आप हाउ टू कर रहे हैं तो आप इससे बेस्ट मतलब आपको नहीं मिलता, ये गूगल के ऊपर मोस्टली रैंक करता है। आपने इसके ऊपर ज़रूर काम करके देखना और मुझे बताना लाजमी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर कर चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर से भी आप टैग ले सकते हैं, अपना टाइटल दें, आपको टैग ये सारे टॉप टैग आपको दे देगा कि भाई ये टैग्स यूज़ होते हैं। अगर उससे रिलेटेड अगर दूसरी मतलब बना रहे हैं तो आप कीवर्ड शीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको गूगल से आपको हाईली रैंक टैग देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।